ओम नमस्ते। अगर आपको पिंपल्स निकल गया तो मतलब पेट में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अगर आपको कमजोरी फील हो रही है तो भाई पेट के सिस्टम में दिक्कत है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही बॉडी की तो भाई पेट के सिस्टम में दिक्कत है, पाचन में दिक्कत है। आपके अंदर ताकत नहीं है, वजन कम है या बहुत ज़्यादा है वजन, तो भाई डाइजेशन के सिस्टम में दिक्कत है कहीं ना कहीं। मतलब भाई बॉडी की जो शक्ति है, खूबसूरती है, बनावट है कि आपकी बॉडी कितनी पावरफुल बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब आपके पाचन से ही तो है, आपके पेट के सिस्टम से ही तो है। और 90% बीमारियाँ पेट की दिक्कत से ही तो आती है। हम पूरा दिन बॉडी के लिए खाते हैं, रोटी खाते हैं ताकि एनर्जी मिले काम करने के लिए, दूध पीते हैं, घी खाते हैं ताकि ताकत मिले। मतलब पूरा दिन हम पका पकाया खा रहे हैं जिसको हमारे पेट का सिस्टम पचा रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा आप क्या खा रहे हो जो आपके पाचन को, पेट के सिस्टम के लिए, जो इसको स्वस्थ रखे, मतलब पाचन को स्वस्थ रखे, ऐसा आप क्या खा रहे हो पाचन के लिए है, पेट के सिस्टम के लिए है? कुछ भी तो नहीं। इसलिए आज के टाइम हर दूसरे तीसरे बंदे को पिंपल, वीकनेस, कम स्टेमिना, कम पावर, कम खूबसूरती, कम ग्रोथ, ये सब चीजें मिल रही है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए भाई आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो पहले दिन से ही आपका पाचन, लीवर, आमाशय, आंते सब एकदम एक्टिव, मजबूत, पावरफुल और एकदम बढ़िया हो जाएगी पहले दिन से ही। सबसे पहली आदत जो आपको छोड़नी है, जब भी आप खाना खाने जाओ, जब भी आपके भोजन का समय हो, तो उस समय आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स, प्रेशर, गुस्सा, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी पूरा दिन आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना, क्योंकि जब भी हमारे ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है, विचार बढ़ते हैं बिना बात के, फालतू के थॉट्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, तो भाई ये सब चीज़ें होने पर हमारा ब्रेन संवेदना भेजता है, मैसेज भेजता है हमारे डाइजेशन को। उस सिग्नल के आने से डाइजेशन शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर आप कुछ भी खाओ आपको लगेगा नहीं वो सड़ जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी का नर्वस सिस्टम काम करता है। इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम 10 मिनट कम से कम ध्यान किया करो, दो से तीन बार प्राणायाम किया करो, ताकि अगर कोई स्ट्रेस आए भी तो आपको फील ना हो, बस आप शांत रहो। जितना खुश रहोगे, चिंता मुक्त रहोगे, उतना ज़्यादा शरीर में बल आएगा, क्योंकि खाया पिया लगेगा पूरी शक्ति के साथ, आपका डाइजेशन एकदम पावरफुल रहेगा हर समय। अगला काम आपको करना है सफाई, क्लीनिंग। दो तरीके हैं पेट के सिस्टम को क्लीन करने के। पहला तरीका, सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करने से पहले कोई भी एक तरह का फल ले लो, एक फल की प्लेट फुल, और उसको पेट भरकर खाओ। एक तरह का फल होना चाहिए, जैसे कि वाटरमेलन ले लो, उसको खाओ दबाकर, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करो। ऐसे ही लंच करने से पहले एक तरह का सलाद रख लो प्लेट भरकर, खीरा या फिर ककड़ी, उसको खाने के बाद अपना लंच शुरू करो। ये करने से हर रोज पाचन की सफाई होगी और मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन, ये सब एकदम बढ़िया मिलेंगे आपको। दूसरा, अगर आप वर्कआउट करते हो खूब दबाकर, फिर तो ठीक है। अगर आप ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, ठीक ठाक सही करते हो, तो हफ्ते में एक दिन का व्रत जरूर रखा करो। इससे आपका पाचन का जो सिस्टम है और लीवर का जो सिस्टम है वो क्लीन होगा। अगला काम भाई आपको करना है लीवर को फिट रखने का। जो हमको डाइजेशन को लेकर दिक्कत आती है, तो भाई इसके पीछे का कारण फैटी लीवर भी हो सकता है। आपको पता होगा ये एक ऐसा रोग है जहां लीवर की कोशिकाओं में वसा जम जाती है, जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी, ऐसी गंभीर बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। लीवर को फिट रखने के लिए आप ये ले सकते हो नेचर श्योर गुड लीवर कैप्सूल। इसमें थीसल मिल्क, कुटकी और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट के अर्क शामिल है। मिल्क थीसल में मौजूद पदार्थ लीवर को विषाक्त पदार्थ से बचाते हैं। लीवर के रोगों को खत्म करने के लिए कई वर्षों से मिल्क थीसल और कुटकी का उपयोग होता आ रहा है। नेचर श्योर गुड लीवर आपके लीवर को फिट करके पाचन तंत्र से गंदगी को साफ करता है और शराब, धूम्रपान के संपर्क से जो नुकसान हुआ आपके लीवर को, उससे रक्षा करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। बस सुबह शाम खाना खाने कुछ देर बाद एक एक कैप्सूल पानी के साथ लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। पहले दिन से ही पाचन तंत्र को, लीवर को मजबूत करना है, तो भाई एक प्रयोग करना शुरू करो। सबसे पहले तो एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी डालो और उस गिलास में 4 दाने सूखे आलू बुखारे के डालने हैं। आलू बुखारा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, सूखा आलू बुखारा। साथ में एक टुकड़ा इमली का, बहुत बड़ी होती है इमली, बस एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ो, छोटा सा, और वो भी उसी पानी के गिलास में डाल दो छोटे से टुकड़े को। साथ में एक टुकड़ा चूरा करके मिश्री का, चूरा कर लेना मिश्री का। बस ये 3 चीजें रात को भिगोकर रख दो कांच के गिलास में पानी भर के। अगर भाई आपको डायबिटीज है तो मिश्री मत डालना। अब जैसे ही आप सुबह उठे तो सबसे पहले सादा पानी पियो, ब्रश दांतुन करो, उसके बाद इसका पानी पियो जो रात रखा था, और फिर एक एक करके वो आलू बुखारा खाओ, इमली का छोटा सा टुकड़ा वो भी खा लो, और जो बचा है पानी उसको पी लो। इस उपयोग को अपनाने से कब्ज खत्म हो जाएगी, एकदम पेट एकदम साफ होने लगेगा, लीवर में, डाइजेशन में जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीना अपना लो बस, फिर पाचन का जो रस है वो बनने लगेगा, जिससे आपको भूख लगेगी और जो भी आप खाओगे उसका पूरा न्यूट्रिशन, पूरा पोषक आपको मिलेगा, बॉडी एकदम पावरफुल बन जाएगी।
अब मैं आपको 3 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिसको अपनाने से कभी पाचन में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि हर रोज आपका पाचन मजबूत होगा थोड़ा थोड़ा, और एक समय पर आकर इतना मजबूत हो जाएगा आपका डाइजेशन कि एक रोटी की ताकत भी आपको महसूस होने लगेगी। पहला नियम यह है कि जो भी आप खा रहे हो उसका टेस्ट लो, टेस्ट के साथ खाओ, आपका दिमाग उस भोजन के स्वाद पर होना चाहिए और जितना चबा सकते हो उतना चबा कर खाओ। दूसरा नियम, विरुद्ध भोजन मत खाओ, भोजन के बाद पानी मत पियो और एकदम पहले पानी मत पियो। तीसरा नियम, भोजन करते ही वज्रासन में बैठ जाओ। सुबह आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, एकदम से वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन आप समझते हो 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ, रात को खाना खाते हो, रात को वज्रासन में बैठ जाओ 10 मिनट के लिए। ये 3 काम जो इंसान करेगा उसके पाचन पर लोड नहीं आएगा, पाचन एकदम जवान रहेगा, लीवर एकदम जवान रहेगा, सिस्टम पूरा पेट का एकदम मजबूत रहेगा खाना पचाने में। तो भाई ये जो बंदा ये तरीके अपनाएगा ना, पहले दिन से ही आपको अपने पेट के सिस्टम में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा पहले दिन से ही। तो बस अगले वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।